इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंजुआ सौदा में युवक की मौत के बाद परिवार ने किया चक्का जाम, पुलिस पर लगाए आरोप। नगर के जयस्तंभ चौक पर 2 घंटे से चल रहा है चक्का जाम। गंजुआ सौदा की वार्ड नंबर 15 नई बस्ती में 19 वर्षीय युवक विशाल पुत्र भवानी अहिरवार ने गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार का आरोप है कि विशाल को चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। विशाल को स्थानीय शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसे भोपाल ले गए, लेकिन रविवार को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवारजनों ने देहात पुलिस के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए जयस्तंभ चौक पर चक्का जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग पर खड़े हुए हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान विशाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। परिवार की मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। पुलिस बारे सब कैसे की गई, कुछ भी कही, बच्चा तो उतना जानता नहीं है, बच्चा ने दस के मारे ऐसा कांड कर लिया, कहाँ से लिया था पैसा देना। गरीब आदमी हम तो कर जाते हैं, सब दिन कर जाते हैं। क्या मामला है, किस वजह से चक्का जाम किया? बाबू जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूर करवे मंडी जात हूँ, नई मंडी काम करवे, पुलिस जाए कछु कारण बस पकड़ के ले गई और इसे हमारा ठोका का करा और जाए 2-3 घंटा बाद पुलिस ने भगा दो, तो इसने दहशत में फांसी। किस मामले? अरे कोई केस नहीं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए आप इसका, अगर थाने में जाकर केस है तो भी के लेवल को मारेंगे। कोई भी केस देख लो आप, आज तक को केस देख लो, मैं इसका पिताजी भवानी सिंह हूँ जिसका नाम विशाल, आज का रिकॉर्ड तक देख लो आप, केस का कोई भी रिकॉर्ड चोरी आए थे हॉस्पिटल में। कोई बात कोई बड़ा चाहे रात हो जाए, मैं जब तो न्याय के लिए आप क्या मांग रखा है? मैं जा चाहता हूँ कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस ने इसे क्यों पकड़ा, क्यों मारा, मैं ये चाहता हूँ। जब कोई रिकॉर्ड हो थाने में तो देख लो आप, फिर मारा ठोकी करी और फिर जाए भगा दो सुजान फांसी लगा ले। अब मेरे तो 18 साल को मोड़ा मर गा, अब बताओ क्या मुजरिम क्या पार में ले गए, उसका फैन कौन ले गया, तो वो आ जाए उसके बाद आप अंतिम इंतकाल के लिए जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी में क्या काम में ले गए थे, कब बोला कब ले लिया इन लोग में दोनों को छोड़ दिया, नहीं छोड़ना था सर, ये मुझे माता तो तीनों को लिए बंद रखते इसके लिए। वो उनसे हम कह रहे हैं कि आपको अगर जो कोई शिकायत है तो आप हमें लिखित में दीजिए, उनसे कोई लिखित शिकायत देने को कोई अभी तैयार नहीं। परिजनों का कहना यह कि इसको किसी चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस ले गई। मेरी इस संबंध में मैंने इस संबंध में थाना प्रभारी इतिहास से चर्चा की है, उनके द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि ऐसा इस तरह की कोई जानकारी अभी थाना प्रभारी के भी संज्ञान में नहीं है और अभी मैं पूरे तथ्यों की जाँच करूंगा जैसे ही ये, चूंकि अभी यहाँ पे दूसरा विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, तो अभी हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पूरी तहकीकात करेंगे कि अगर इनको थाने में लाया गया था और उसकी भी पूरी तथ्यों की जांच करेंगे और जांच करके जो भी गलत पाया जाएगा लीगल इलीगल पूरी परिस्थितियों की जांच करेंगे और उसके बाद फिर जो भी कानूनी कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।